अलैकुम, मैं शादाब अख्तर अल्ताऊ हुसैन शेख। प्यारे बच्चों, दी गई सरगर्मी से आप ये जान ही चुके हैं कि 14वीं सदी में यूरोप में रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मदद से वो एक घंटे का तायुन किया करते थे। ऐसी घड़ियां हमारे भारत में भी इस्तेमाल की जाती थी। प्यारे बच्चों, आओ ये करके देखें। माजी और मुस्तकबिल की अपनी तस्वीरें नीचे दिए गए चौकोन में चिपकाओ और 20 साल बाद तुम कैसे नजर आएंगे ये तसव्वुर करके तस्वीर बनाने की कोशिश करो। प्यारे बच्चों, पहला चौकोन आपको नजर आ रहा है। पहले चौकोन में मैं बचपन में कैसा था इसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इससे यह जाहिर होता है जमाने माजी में मैं कैसा था। प्यारे बच्चों, दूसरा चौकोन का मुशाहिदा कीजिए। दूसरे चौकोन में मेरे अभी जारी की तस्वीर आपको नजर आ रही है। इससे यह जाहिर होता है कि अब मैं ऐसा हूं। इससे हमें जमाने हाल का पता चलता है। और तीसरे चौकोन में आपको मेरी तसव्वुरी या ख्याली तस्वीर नजर आ रही है। इससे यह जाहिर होता है कि 20 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा। इससे यह जाहिर होता है कि जमाने मुस्तकबिल में हम इस तरीके से इंशाल्लाह नजर आएंगे। प्यारे बच्चों, बताओ तो भला हम जमाने को अलग अलग तरीके से क्यों तकसीम करते हैं? जी हां, अपने कामों के सहूलत के लिए हम अलग अलग तरीके से जमाने की तकसीम करते हैं। मसलन अभी, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद, या आज, कल, परसों जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त हम दिल ही दिल में जमाने का हिसाब लगाते हैं।